चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं नाश्ता लेकर टेबल पे ही आ रही थी। नहीं, मैं सैरिश के लिए नाश्ता लेने आया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा रूम में उसे नाश्ता देते हैं। सही किया। तुमने कर लिया नाश्ता? नहीं, मैं अम्मी के साथ करूंगी। लेकिन चची जान तो डाइनिंग टेबल पर नहीं थी, क्या वो भी नाराज है मुझसे? नहीं, नाराज तो नहीं है, बस थोड़ी परेशान है। सैरिश के अचानक शादी के फैसले ने उन्हें थोड़ा मायूस किया। हाँ, समझ सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी भी है। तुम लोगों के आगे की जिंदगी का सफर कामयाब रहे, मेरी यही दुआ है। आप ये सैरिश के ले लीजिए। देखा अम्मी आपने, अभी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ, किस तरह भाई से नखरे उठवा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, भाई जैसे पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल इंसान बीवी के जी हुजूरी भी करेंगे। तो हो गई होगी उसकी तबीयत खराब, तुम नहीं समझोगी इन बातों को। अम्मी मैं सब समझती हूँ, वो भाई को इशारों पर नचाकर ईमान आपी को निशाना बनाना चाहती है, उसे तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। ये उससे उसे क्या लगा रखा है, वो तुम्हारी भाभी है, इस घर की बहू है, रुतबे में दर्जे में भी तुमसे बड़ी है। देखो अब मैं तुम्हारे मुंह से सैरिश के खिलाफ एक लफ्ज भी ना सुनूं। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि आपको बेटी से ज्यादा बहू अजीज हो जाएगी। लेकिन मेरी भी एक बात अम्मी लिख ली, सैरिश वो लड़की है जो जिशान भाई के साथ साथ हम सबकी जिंदगी अजीरन कर देगी। वो कभी ना कम में खुश हुई और ना ही ज्यादा, वो जो चाहती है हासिल करती है और फिर हासिल करके बर्बाद करके छोड़ देती है। शफा, खुदा के लिए तुम अपने ज़हन से ये बातें निकाल दो। मैं शादी में भी देख रही थी तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था। देखो तुम्हें सैरिश के साथ अपना रवैया बदलना होगा। ये छोटी छोटी बातें ही दिलों में रंजिश पैदा कर देती है। और सैरिश ईमान की दुश्मन नहीं, उसकी सगी बहन है, वो भला उसको क्यों तकलीफ पहुंचाएगी? बेहतर होगा कि तुम अपने दिमाग से शक और शुबहात निकाल दो, वरना एक ही छत के नीचे रहते हुए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, घर का माहौल एक घुटन ज़दा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी वापस। आज शादी के बाद पहला दिन और आप ऑफिस जा रहे हैं, सारे घर वाले क्या सोचेंगे? मैं जानती हूँ आपने मुझसे शादी मजबूरी में की है, लेकिन अब मैं आपके निकाह में हूँ, आपकी बीवी हूँ, और मैं आपको दिल से कबूल कर चुकी हूँ और सारी जिंदगी इस रिश्ते को दिल से निभाना भी चाहती हूँ।
जाना, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? सैरिश, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम स्ट्रेस हो। मानता हूं कि ये रिश्ता मजबूरी में बन रहा है, लेकिन अब से तुम्हारी हर तकलीफ मेरी और मेरी हर खुशी तुम दे। इसका मतलब है आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं जा। थैंक यू, मुझे पता था आप नहीं जा। मान दफ्तर चली गई? नहीं, शमीम की तबीयत ठीक नहीं है, बस इसी फिक्र में नहीं गई है। और वैसे भी शादी की सारी मसरूफियात तो उसी ने देखी है। अच्छा है, घर में रहेगी, थोड़ा सा आराम कर लेगी। आराम? अरे सुबह से तो मैं उसे कामों में उलझा हुआ देख रहा हूँ। हाँ, हमारी ईमान है बहुत हिम्मत वाली, सारे शादी के इंतजाम उसी ने देखे, हमें तो थकन महसूस ही नहीं होने दी उसने। ये क्या है? भूल गए आप? याद नहीं आपको ईमान की और जिशान की जब शादी तय हुई थी तो आप खरीद कर लाए थे अपनी बहू को देने के लिए? शादी तो हुई नहीं, मैंने ये कंगन संभाल के रख ली है। यानी ये अब बहू को देकर तुम रस्म पूरी करना चाहती? बहू तो वो बन नहीं सकी, बेटी तो है ना हमारी, मैंने सोचा जब उसकी शादी होगी ना तो उसको दे दूंगी। वाह, क्या कमाल के सास ससुर हैं मेरे। मैं तो ये सोचकर कमरे में आई थी कि शादी की पहली सुबह है, आप लोगों के पास आकर आप लोगों की दुआएं लूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी शादी की खुशी कम और इस बात का दुख ज्यादा मनाया जा रहा है कि जिशान की शादी ईमान आपी से क्यों नहीं हुई। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुकी हूँ। ये कंगन तो सूलन आपकी बहू के होने चाहिए ना, तो फिर ईमान आपी क्यों? जब आप सास बनकर चलाकी कर सकती हैं तो मैं भतीजी बनकर क्यों रहूं? अब आज से आप दोनों मुझे अपनी बहू ही समझिएगा। अरे सैरिश, सैरिश, अरे मेरी बात तो सुनो, आपने उसे रोका क्यों नहीं, कुछ बोले क्यों नहीं है? इस तरह बहू का नाराज होना अच्छी बात नहीं है। तारा सारी जिंदगी तुम मुझे मात देती रही हो, अब बहू को हरा के दिखाओ जरा। हैरत है,
शादी मेरी हुई है और ऑफिस से छुट्टियां आप मना रही हैं। कहा तो आप इतना बीमार होने पर भी ऑफिस से छुट्टी नहीं करती थी। अब आपका घर में बड़ा दिल लग रहा है। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। मैंने तो साफ साफ ही कहा है। आप समझकर भी समझना नहीं चाह रही वो अलग बात। अम्मी की तबीयत सही नहीं है इसलिए घर पे। उनकी तो तबीयत अब बिगड़ेगी। आपसे पहले मेरी शादी जो होगी वो भी उस शख्स के साथ जिसका आपने 8 साल इंतजार किया है। सरिश वक्त बीत चुका है, आगे बढ़ो। एग्जैक्टली, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि आप मोहब्बत की बेसात पर हार चुके हैं। अपनी हार को तस्लीम कर लो। मेरे अपनों की जीत के लिए मुझे हर शिकस्त मंजूर है और मुझे कोई मलाल नहीं। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ सरिश। इस बात पे यकीन करने में ही तुम्हारी बेहतरी। शमी, ये तुमने क्या रोग लगा लिया बेटा? हर बात को अपने जहन पे क्यों सवार करके बैठ जाती हो? खुश रहा करो ना। जब से मुकर्रम का इंतकाल हुआ तुमने तो जैसा खुश रहना ही छोड़ दिया। अब बच्चियों की फिक्र में लगी रहती हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटा, इंसान कितना भी हाथ पांव मारे होता वो ये जो किस्मत में लिखा होता है। किस्मत का लिखा या किस्मत का खेल? क्योंकि बीजा, मेरी बच्ची की जिंदगी में तो सिर्फ किस्मत ने खेल ही खेला है। जिन मोहब्बतों का मिलना नहीं लिखा, खुदा उन दिलों में मोहब्बत क्यों पैदा करता? देखो बेटा, ध्यान से सुनो। अल्लाह ताला सारे मामलात, सारे कामों को हमसे बेहतर समझता है। और जो लोग अल्लाह के करम और उसकी कुदरत पर यकीन रखते हैं ना, वो कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत अपनी जबान पर नहीं लाते। अब अपनी बेटी ईमान को ही देख लो, वो अल्लाह ताला के हर हुक्म पर हर हाल में राजी रही। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे अपने उन साबिर शागिर बंदों में शामिल किया जिन्हें वो पसंद करता। देखो बेटा, ईशान से तुम्हारे पहले जो नाराजगी थी ना, वो और बात। जब तुम्हारा दामाद बन गया ना, तो मेरी तुमसे यही इल्तजा है कि अपनी बेटी और दामाद के लिए दुआ करो कि वो हंसी खुशी से जिंदगी गुजारें। सारी शिकायतें अपने दिल से निकाल दो बेटा, हमेशा के लिए। और तुम ईमान की फिक्र ना करो, ईमान के साथ हम सब हैं ना, सब। हाय शिफा। हाय, कैसी हो? ठीक। सैरिश की शादी का सुना मैंने, काफी शॉकिंग न्यूज है यार। हाँ जी, पता लगा मुझे। हाँ,
तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे थे शायद, इसलिए तुम्हें पता ना चला। हाँ यार, जब से आतिफ यूएसए गया है मेरा दिल ही नहीं लगता किसी चीज में। आई फील वेरी अलोन, मजा नहीं आता मुझे यूनिवर्सिटी में। तुम्हारी बात होती है आतिफ से? हाँ यार, लेकिन अब वो आतिफ पहला जैसा नहीं रहा। हंसी मजाक करना अब काफी सीरियस हो गया। बात हुई तो कह रहा था कि किसी को उसका हंसी मजाक करना नहीं पसंद। मैंने तो ऐसे ही कहा था। अच्छा, वो जो सहरिश की वजह से तुम्हारे और आतिफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसका सुन के मुझे काफी अफसोस हुआ। जिसकी वजह से हुई, जब उसे कोई अफसोस नहीं है तो फिर तुम क्यों अफसोस कर रहे हो? हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, सहरिश ने तो शादी कर ली, आतिफ यूएसए चले गया, अब तुम क्या करोगी? मैं उसका इंतजार करूंगी। अच्छा रुको, आतिफ ने यूएसए जाने से पहले ये एक लेटर दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं। हालांकि मैंने उसे बोला भी था कि वो ये बात व्हाट्सएप पे तुम्हें बोल दे या टेक्स्ट कर दे, लेकिन न जाने क्यों उसने हैंड रिटन में देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। पढ़ लेना। थैंक यू। हाँ मैं बात करता हूँ आपसे। जी ओके ओके। सहरिश, क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? ऐसे होती है शादी? मैंने तो सुना था शादी के बाद लड़की की जिंदगी हसीन ख्वाब की तरह होती। जिन हालात में ये शादी हुई है तुम अच्छी तरह जान। हाँ सही है, आपकी मनपसंद दुल्हन नासिक, लेकिन आपके निकाह में तो हूं ना आप। मुंह दिखाई तो हर दुल्हन का हक होता है, इतना तो कर ही सकते थे आप मेरे लिए। I'm sorry, भूल गया तुम। तुम्हें जो चाहिए बता देना लाडली, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही। सच कह रहे हैं या सच में ये वादा निभाएंगे? मांगो। क्या मांगती हो? अभी नहीं, जब वक्त आएगा मांगो। अगर आपको काम था तो मुझे बुला लेती। जब बात सैरिश से करनी थी तो तुम्हें क्यों बुला दी? ये लो कंगन रख लो। ये तुमने ठीक कहा था, ये कंगन इस घर की बहू को मिलने चाहिए थे। और जब ईमान का वक्त आएगा तो अल्लाह उसके नसीब के भी उसको दे देगा।
अभी तो सिर्फ ये कंगन वसूल किए हैं, देखते ही देखते इस घर की मालकिन बनकर हर एक का दिमाग ठिकाने नहीं लगाया तो मेरा नाम भी सहरिश नहीं। ईमान बेटा, शादी वाला घर है, लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा। तुम सुबह से कामों में लगी हो, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी मैं सब देख लेती हूँ ना। अम्मी, आराम की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको लग रही है। देखे तो दो दिन में कितनी कमजोर हो गई हैं आप। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। जब दिल ही खुश ना हो तो क्या डॉक्टर और क्या तब। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान तो तुम्हें अपने घर का करना है। आप अब तक सहरिश से नाराज हैं? उससे कौन सा फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? अपनी मनमानी कर तो ली उसने। जिस तरह आपने हमेशा उसकी मनमानी को उसका बचपना समझकर माफ कर दिया है, इस बार भी करना? नहीं बेटा, ये उसने नादानी में नहीं किया है। मैं तो बचपन से उसमें एक हसद देख दिया आ रही है। डरती थी मैं इस दिन से। वो हमेशा से फितरतन ऐसी ही थी। ना वो किसी को अपने से आगे दिखना चाहती, ना किसी के सामने झुकना चाहती। उसका जहन समझने की कोशिश करें, पता नहीं कैसे महरूमी ने उसके अंदर जगह बना ली। अपने प्यार और तवज्जो से उसे बदलने की कोशिश करें, एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगी वो इंशाल्लाह। कब? मेरे मरने के बाद? अल्लाह ना करे। आज के बाद ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिए। आपके सिवा हमारा है ही कौन? अच्छा चले जाए, आप अपने कमरे में जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार ना तुम्हारे सिवा कोई था ना कोई होगा। दिल ने बहुत बार कहा ये बात तुमसे मिलकर कहूं, मगर मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मिले बिना जा रहा हूं, हो सके तो मेरी इस खुदगर्जी के लिए मुझे माफ कर देना। तुमने सही कहा था, जिंदगी से फरार हासिल करने की कोशिश कमजोर लोग करते हैं, और मैंने ये साबित कर दिया कि मैं कितना कमजोर था। किस्मत ने जो मुझे नई जिंदगी दी है, मैं उस जिंदगी को काबिल बनाऊंगा। मुझे ये ताकत तुम्हारे प्यार ने दी है शिफा। किसका लव लेटर पढ़ रही हूँ इतने गौर से? तुम्हें क्या? किसी का भी पढ़ रही हूँ? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली तुम कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ ये बताने की क्या मुझे तुम्हें जरूरत है? अपनी ये हुक्मरानी ना भाई पर जाकर चलाओ, मुझ पर चलाने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे गुस्सा मत दिला, वरना दो दिन में तुम्हारी किसी लड़के से शादी करके इस घर से चलता करूं। ख्याल रखो, भाभी से दुश्मनी कहीं तुम्हें महंगी ना पड़ जाए। भाभी, ये जबरदस्ती का रिश्ता ना मुझ पर मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है। और जब से तुम्हारी असलियत मेरे सामने आई है ना, दिल चाहता है कि मैं तुमसे नफरत करूं। और अगर मैं चाहती ना तो तुम्हारी ये असलियत सबको बता देती कि तुमने आतिफ के साथ क्या ड्रामा खेला है। लेकिन मैं जानती हूं इन सबसे ज्यादा तकलीफ ईमान आप ही और भाई को होगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। इसलिए तुम्हें सुधरने का एक और मौका दे रही हूं।
और ये मौका तुम्हारे लिए आखिरी होगा। इस चींटी के पर तो आप मसलने पड़े। शान का ख्याल रखना अब आपके नहीं, बीवी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी। शौहर मेरे हैं तो ख्याल भी मैं ही रखूंगी ना। क्यों बेटा, सिर्फ शौहर क्यों? घर की बहू होने के नाते घर के सारे अफराद की जिम्मेदारी तुम पे आयद होती है। ईमान छोड़ दो बेटा, आज से सबको खाना सैरिश सर्व करेगी। अरे शमी कैसी बात कर रही हो, दो दिन की दुल्हन है वो, काम काज के लिए बहुत वक्त पड़ा है। बैठ जाओ बेटा, खाना खाओ। नहीं बेटा, घर की बहू घर के सारे इंतजाम जितनी जल्द हो सके संभाल ले, उतना ही अच्छा होता है। पानी दे दो मुझे तो। अब अरे इसमें तो सालन ही खत्म हो चुका है, प्लीज भाभी लेकर आ जाएंगी आप? चलें, कोई बात नहीं, मैं खुद लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि आगे चलकर सारे काम आपने खुद ही संभालने हैं। ये क्या? मुझे आपने कहा कि चेस खेलते हैं और आप खुद यहाँ आ गए। हाँ बस ऐसे ही आती का ख्याल आया तो याद आ रहा है। उसका हंसी मजाक करना, बात बात पे शरारत करना, सब मिस कर रहा हूँ। और फिर वैसे ही एज के साथ तन्हाई ज्यादा महसूस होती है जब दोस्त दूर चले जाते हैं। मैं हूं ना पापा। तुम ना होते तो मैं कभी भी उससे खुद से दूर नहीं भेज पाता। तुम्हें ने मुझे हिम्मत दिलाई और उम्मीद दी। अब आतिफ को मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूं, लेकिन ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाए, इंसान का दिमाग खुलता है, एक्सपोजर आता है। खैर छोड़िए, आइए आतिफ को कॉल करते हैं, उसको बताते हैं कि हम उसे कितना मिस कर रहे हैं। गुड आइडिया। अच्छा आइए। ईमान आप ही और मुझे लेकर जो फर्क आपने दिल में रखा था वो आज बाहर आ रहा है। निशाने भर कर क्या तीर चलाए आपने मुझ पे? मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपकी ममता में फर्क नहीं है? हक और फर्ज की हैसियत तुमने जिताई थी, मैंने तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिला के तुम्हारा हौसला बढ़ाया है। आपको क्या लगता है जिशान से शादी मैंने इस घर की नौकरानी बनने के लिए की है? सबकी खिदमतें करके साबिर शाकिर बहू बनकर रहूंगी? तो खुशफहमी है आप, और बड़ा नाज है ना आपको ईमान आप ही पर। इस घर के हर फर्द के दिल पर उन्होंने बहुत राज कर दिया। अब आप उनसे कहें कि शादी करें, रुख्सत हो, और जाकर अपने ससुराल और शौहर पर राज करें।
मेरा घर मेरा शौहर मेरे लिए छोड़ दे। और वैसे भी जिशान के बाद ईमान आप ही पर इस घर की जिम्मेदारी बनती नहीं है, तो जिशान की नजरों के सामने रहने के बहाने ढूंढना वो बंद कर दे तो बेहतर होगा उनके लिए। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पे। ईमान के प्यार खलूस के साथ साथ तुम उसकी कुर्बानियां भी भूल गई हो, उस बहन की जिसने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। जिशान के उसकी जिंदगी से निकले हुए तो जमाना हो गया, इस घर से भी निकल जाना कोई मुश्किल नहीं था उसके लिए, लेकिन नहीं, उसने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल इस घर के लिए जाया कर दिए जो कभी गिने भी नहीं उसने। अपनी इतनी कीमती जिंदगी उसने इन सस्ते रिश्तों के लिए बेच दी, लेकिन होठों से उफ तक ना की। तुम उसे इस घर से रुखसत करने की बात कर रही हो? तुम जिसने हमेशा दिल की मनमानी चला के सबके दिलों को गमगीन किया। मेरी तो दुआ है कि मेरी ईमान इस घर से शादी होकर रुखसत हो जाए। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके इस घर से चले जाने के बाद सारी मुश्किलों से आसानियां हो जाएगी, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी उसकी। ईमान बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे ताया तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मेरी वजह से? हाँ बेटा, वो तुम्हारी आला जर्फी देखकर मैं और तुम्हारे ताया खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। असलन तो पहले शादी तुम्हारी होनी चाहिए, मगर क्या फर्क पड़ता है ताया में? वैसे भी आतिफ तो यहाँ है नहीं, जब तक वो नहीं आ जाता शादी की जल्दी ना मुझे और ना हद को। हाँ वो तो ठीक है, तुम्हारे ताया आलिम साहब से मिलकर बात करना चाहते हैं। क्या मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को सेटल कर लो। कुछ रिश्ते और भी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जिन्हें पाकर तुम मुकम्मल हो जाओगी। मेरी जान, खुश रहो। Thank you.
तुम अकेले अब तक जाग रही हो? नहीं, ताई अम्मी भी थी, वो अभी अपने रूम में गई हैं। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। ईमान, ध्यान से। ईमान, ईमान इधर आओ। ईमान प्लीज, ध्यान से देखकर आना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, मेरी वैसे ये ग्लास गलती से स्लिप हो गया था। मेरे ज्यादा चोट तो नहीं? ये रात के इस पहर आप दोनों किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? काश तू भी कभी दिखाई दे।